आपको पता है कि ये पिछले कई दिनों से खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब इस पर फोकस किए बैठे हैं, वो तो ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज है ये इस वक्त। ये जो आप क्रिकेट मैच, ये जस्ट क्रिकेट मैच नहीं है, मैं ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये 20 करोड़ आवाम का मैच है टेररिस्ट के साथ, दहशत गर्दों के साथ, और हर सूरत में हमें जीतना है ये मैच। ये उसके लिए तमाम तरह एफर्ट्स हुई हैं, ये कोई ऑर्डिनरी मैच नहीं है जो क्रिकेट का, जिसके लिए हम सारे लोग निकले हैं। तो हमें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि आज जो 30,000 लोग आ रहे हैं लाहौर में, लाहौर होस्ट है, पंजाब गवर्नमेंट का ये इवेंट है, तो जो शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे आज हर जो पार्किंग एरिया है, हर वो जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, वहाँ पे उनके जो कोर टीम है वहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, और उस वक्त तक जब तक ये खैरियत से ये इवेंट हो नहीं जाता, हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे, साथ साथ क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, साथ साथ इवेंट को एंजॉय करेंगे, और साथ साथ जो आ रहे हैं उनको पूरा उनको इज्जत के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ सिक्योर एटमॉस्फेयर में उनको हम कजाफी स्टेडियम तक पहुंचाएंगे। आप ये बताइए कि आज जो मैच होने जा रहा है इसमें आप किस टीम के साथ हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स या पेशावर सल्तनत? सच्ची बात है कि मैं दोनों टीमों मेरे लिए ये बहुत मामूली बात है कि ये पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान की दोनों टीमें हैं, मैं दोनों की सपोर्ट पे हूँ, मैं पाकिस्तान के अमन के साथ हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है जो हमने ख्वाब नहीं देखे थे कि वो चीज़ें हमारी लीडरशिप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। कोई बंदा इसको डिस्कस करने को तैयार नहीं था कि कभी इस तरह का वक्त भी आएगा कि जो हालात बन गए थे कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे और अपनी गेम दिखाएंगे। तो मुझे तो किसी टीम के साथ कंसर्न नहीं है, ऑल्दो मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, बट उसके बावजूद मेरी तमाम तर सपोर्ट जो है वो इन अरेंजमेंट्स के साथ है, क्रिकेट के साथ है। कोई भी जीते, इसमें जीत पाकिस्तान की है, इसमें जीत है पाकिस्तान में बसने वाले 20 करोड़ आवाम की। जी, जैसा कि आपने सुना कि बिलाल यासीन कह रहे थे कि ये आज का मैच जो है 20 करोड़ आवाम का मैच है, और जब तक शायकीन जो है क्रिकेट को देखकर कजाफी स्टेडियम में एंजॉय करके घर वापस नहीं चले जाएंगे, तब तक जो है यहाँ पर उनको हम यहाँ पर